कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो शक्ति तो आत्मा धारण करती है, परंतु शक्तियों के रूप में केवल नारी का ही स्वरूप दिखाया गया है। तो केवल नारी ही क्यों, किसी देवता का नाम क्यों नहीं? नवरात्रि में भी केवल नारी शक्ति की ही पूजा और आराधना क्यों? देखिए, प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है जी क्योंकि नर नारी दो पहिए हैं जीवन की गाड़ी के, और दोनों ही सशक्त होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन सत्य ये है कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो आसुरी वृत्तियों का संहार कराने के लिए वो मात्र शक्ति को, नारी शक्ति को निमित्त बना देते हैं, उनको विशेष अधिकार दे देते हैं, शक्तियाँ दे देते हैं। मिलती पुरुषों को भी हैं और वो भी बराबर उनके कार्यों में सहयोगी रहते हैं उनके साथ मिलकर, पर क्योंकि उनको शिव ने अग्रणी कर दिया तो उनका नाम हुआ है। और मात्र शक्ति में जो बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनका भगवान ने भी लाभ उठाया जी, उनके अंदर ममता है, स्नेह है, वो प्यार से पुरुषों को बदल सकती हैं, उनकी दृष्टि में रहम भी बहुत होता है। भले ही आजकल सबका ये हाल नहीं है जैसा मैंने कहा, पर जो नारी उच्च क्वालिटी की हैं आज भी उन सब में ये दिखाई देता है। तो भगवान ने उनको कलश दिया ज्ञान का और उनके द्वारा जग का उद्धार कराया, पुरुष उनके साथी बने, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व तो उनका ही है। जी जी, ये तो कारण है ब्रते जी। यदि फिर अभ्यास करें, क्योंकि जब हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम भी शक्तियों को लेने का और देने का, तो क्या भाई जब अभ्यास करें तो वो भी अपने आप को इन देवी रूपों में देखें या फिर किस रूप में प्रैक्टिस करें? नहीं, देवी रूप में देखने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि वो अननेचुरल सा लगेगा। हम ही शिव की शक्तियाँ हैं क्योंकि हम आत्माएँ हैं और आत्मा में उसने शक्तियाँ भरी हैं, तो शिव की शक्ति हमारे पास है, यानी हमारे पास भी आठों शक्तियां हैं और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। इसलिए देवियों को कहीं आठ बुझाएं, कहीं दस, कहीं 16-18 बुझाएं दिखाई गई हैं, क्योंकि ये सब शक्तियां हमारे पास हैं। तो पुरुष लोग भी बस ये कॉन्शियस रखें कि हम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हैं। जी 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 जी, तो विजन उनका किस प्रकार का फिर हो? जैसे बहनों के लिए तो बहुत इजी है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ, भाई क्या विजन रखें? हम भी शिव शक्ति हैं क्योंकि वास्तव में ये पूजन उन शक्तियों का हो रहा है जो परमात्मा से मिली हैं, जिन्होंने उदाहरण की उनका भी हो रहा है, पर मूल रूप में ये शक्तियों का पूजन है। जैसे मतलब दैहिक रूप का कोई भाव नहीं। हाँ, जैसे संतोषी माँ जी, अब उसके पास एक विशेष क्वालिटी है, काली माँ उसके पास एक विशेष क्वालिटी है। हम देख सकते हैं कि हर एक देवी के पास एक एक अलग विशेष क्वालिटी है, भले ही शिव शक्तियाँ वो हैं और शिव की सारी शक्तियाँ उन्हें भी प्राप्त हुई हैं, पर एक शक्ति में वो जैसे आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं ना जी, स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए इसमें बाह्य रूप की बात नहीं, ये आत्मिक स्वरूप की बात है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक एक शक्ति, 9 दिनों तक जिन 9 देवियों की पूजा होती है तो खास करके उनकी किसी खास विशेषता या शक्ति का ही वर्णन और विशेषता दिखाई जाती है। ब्रता जी, अगला प्रश्न है, हर एक देवी के नाम के साथ माँ शब्द क्यों जोड़ा जाता है, जैसे दुर्गा माँ, संतोषी माँ? देखिए, उनकी दृष्टि भी यही थी संसार के लिए कि हम जगत माताएं हैं और सब हमारी संतान है, इसलिए शास्त्रों आदि में जो देवियों की महिमा है उनको पालन करता, एक्चुअली तो क्रिएटर ही मान लिया गया है, वैसे भी नारी क्रिएटर है, तो इसलिए उनको माँ कहा। और फिर नारी रूप में दिखाया है तो नारी में बहन या माँ दो ही स्वरूप हो सकते हैं उनके, तो माँ ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रतीत होता है जिससे सब भक्तों की पालना होगी। और माँ का स्वरूप भक्तों के लिए बच्चों जैसा अलग ही होगा, अगर उनको बहन मान लिया जाए तो बहन का स्वरूप कुछ और होता है जी। तो मात्र माँ जो शब्द है, मातृत्व जो है, उससे ही दूसरों की ज्यादा पालना होती है जी जी। किसी देवी को अष्टभुजा तो किसी को 6 भुजा, किसी को 4 भुजा, किसी को 2 भुजा दिखाते हैं, क्या 8 शक्तियों में से जितनी शक्तियों को हमने धारण किया उसी के अनुसार द्वापर युग से ये वर्णन है? ऐसा ही दिखाई देता है,
अब शक्तियाँ आठ तो वो हैं जिनका हम वर्णन करते हैं, परंतु जैसे हमारे पास स्नेह की शक्ति, कोई अपना प्यार दूसरों को दे के उसको बदल देता है, अपना बना लेता है, ज्ञान की शक्ति जिसको तलवार के रूप में, ढाल के रूप में दिखाया है, पवित्रता की शक्ति, पुण्य कर्मों की भी शक्ति है, हमारी शुभ भावनाओं में भी बहुत शक्ति होती है। तो ये सब जिसने जितनी धारण की, शक्तियों का प्रतीक है भुजाएं, भुजाएं शक्ति मानी जाती है ना, उतनी शक्तियां उस देवी को दिखा दी गई। जी जी जी, मतलब ये उसी रूप में यादगार है। अभी आपने कई शक्तियों का वर्णन, हम तो अष्ट शक्तियों का वर्णन साप्ताहिक कोर्स में भी करते हैं और मोटा मोटा इन्हीं शक्तियों के बारे में बातें करते हैं, तो ये जो आपने कहा स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये शक्तियाँ, तो यदि इन सबको मिला लिया जाए तो ये कितनी शक्तियाँ हैं? हाँ, 16 तो हो ही जाएंगे। अच्छा, तो 16 शक्तियाँ विशेष होंगी। विशेष शक्तियाँ तो 16 हैं ही जी, और निश्चित रूप से कि कुछ आत्माओं ने इन सभी शक्तियों को धारण किया अवश्य है। देखो, किसी की दृष्टि में बहुत शक्ति होती है जी, तो किसी के बोल में भी बहुत शक्ति होती है। एक बोल दूसरे को बदलने वाला होता है, एक बोल दूसरों की बुराइयों पर जैसे कुठाराघात कर देता है। तो ये दृष्टि की, बोल की, संकल्पों की, ये सब शक्तियां हैं और हम सबको इनको धारण करना ही है। तो ये कैसे करें? क्या हम केवल मास्टर सर्वशक्तिवान हों, ये स्मृति हमें सब शक्तियों से भरेगी, या फिर स्पेशली हमें अलग अलग शक्तियों के लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा? देखिए, वैसे तो जब हम सर्वशक्तिवान से योगयुक्त होते हैं, यानी बुद्धि को उससे कनेक्ट कर देते हैं जी, तो हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। पर विशेष बात ये कि कौन उस शक्ति को किस रूप में ज़्यादा यूज करते हैं, और जितना जिस शक्ति को ज़्यादा रूप से यूज करेंगे उतना ही उसका स्वरूप दिखाई देगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो हम बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और हमने एक संकल्प रख लिया कि ये योग की शक्ति मेरी वाचा की शक्ति में अतिवृद्धि करे, तो उसको अपनी योग की शक्ति को वाचा की शक्ति के रूप में रूपांतरित करना है। तो वो जो योग की शक्ति आ रही है, आत्मिक स्थिति से वो शक्ति आ रही है या आत्मिक दृष्टि से वो शक्ति आ रही है, तो वो बोल के द्वारा दूसरों को आभास कराएगी। मान लो ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो लगेगा उनका एक एक बोल तीर की तरह दूसरों पर वार कर रहा है। वो किसी को ये कहते हैं, भाई क्रोध ना करो, मीठा रहो, तो ये काम करेगा। तो इस शक्ति ने उस रूप से काम कर लिया। दूसरे ने सोचा मुझे योग से शक्ति लेनी है, वो ले रहे हैं शक्ति, अगर हम उसको टर्न नहीं करेंगे तो वो शक्तियाँ केवल हमारे विकर्म विनाश करेंगी, लेकिन हमने उसको टर्न कर दिया, मुझे संपूर्ण रूप से सहनशील बनना है, हमने एक संकल्प दे दिया अपने को, तो वो शक्ति हमारी सहनशीलता को बढ़ाने लगेगी। संकल्प कर लिया, मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ, तो जो शक्ति सर्वशक्तिवान से आ रही है वो इसमें हमें समर्थ बना देगी। इस तरह से जिस रूप में हम उसको टर्न करेंगे उस रूप में वो काम करने लगेगी।